स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम इन कैडी क्लासेस। आज हम हमारे 10th क्लास का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें हमने जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी, जिसमें हमने हेरिडिटी की डेफिनेशन पढ़ ली थी, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के साथ साथ मेंडलिज्म के बारे में बात कर ली थी, और मेंडलिज्म के बाद हमने जो है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म के बारे में बात कर ली थी। अब हमें पता था, मेंडलिज्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, प्रैक्टिकल्स के बेसिस पर 3 लॉज जो है प्रपोज किए थे। उन लॉज को हमने लॉज ऑफ डोमिनेंस कहा था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा था। जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे वो हमारे पास 3 लॉज थे, ठीक है। तीनों लॉज में, जैसे हमारे पास 3 लॉज थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास 3 हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड जो हमारे पास रहता है उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड थर्ड जो हमारे पास लॉ रहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉज थे, तीनों लॉज को हम कलेक्टिवली मेंडलिज्म भी कह रहे थे या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कह रहे थे, जिसमें आज के लेक्चर में हमें बात करनी है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो बेस्ड है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि ये जो क्रॉस रहेगा इसके रिजल्ट्स को हम सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर समझ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को या इस पूरे लॉ को हम सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पे समझ सकते हैं। समझ में आई बात? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एग्जाम में आपसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन भी कर ली जाती है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंडर, तो उसमें आपको बताना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि ऐसा क्रॉस जिसमें हम जो क्रॉस करवाया जा रहा है वो सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पे करवाया जा रहा है। आपको ध्यान हो तो मेंडल ने गार्डन बी प्लांट में टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे उनके बारे में बताया था, ठीक है। उनमें से किसी एक सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर यदि आप किसी क्रॉस को करवा रहे हैं तो उस क्रॉस को हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पे समझ सकते हैं, या इस क्रॉस में जो कैरेक्टर होगा वो सिंगल कैरेक्टर ही इन्वॉल्व होगा। आप टोटल 7 कैरेक्टर्स में से किसी भी एक कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक कैरेक्टर के हेल्प से आप इस लॉ को समझ सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम में क्वेश्चन भी कर लिया जाता है कि उन, जैसे आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास 3 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनमें से जो ये स्टार्टिंग के दोनों लॉज हैं ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड हैं, ठीक है। ये दोनों ही लॉज जो हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं, और जो थर्ड लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, और थर्ड लॉ जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि उस लॉ का नाम लिखिए जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपसे ये क्वेश्चन कर लिया था कि उन लॉज के नाम लिखिए जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्लियर। अभी हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो रहा है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी बात आती है इसकी डेफिनेशन की, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए क्रॉस टेक्स प्लेस इन बिटवीन 2 होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। देखिए, प्लांट होगा, हमें पता है
क्रॉस होगा प्लांट्स में, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स वाले टॉपिक में हम बात ही क्या कर रहे हैं, क्रॉस की कर रहे हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन की कर रहे हैं। क्रॉस की जगह हम एक वर्ड और यूज में ले सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन आपके केमिस्ट्री में भी आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब क्रॉस होगा किसके बीच, इन बिटवीन टू होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स। दो अलग अलग प्लांट हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस मींस क्या है, प्योर है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे दोनों प्योर हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है, एग्जांपल के साथ भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको इसकी डेफिनेशन पता कर, डेफिनेशन जो उसके बारे में बात करनी है, तो डेफिनेशन में आपको यही लिखना है कि इस लॉ में क्या होगा, दो प्लांट्स होंगे जो होमोजाइगस होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट होंगे, मतलब उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्योर होंगे, ठीक है। अब क्या होगा जब आप ऐसे प्लांट का क्रॉस करवाओगे, कैसे का, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुन लेना। हमारे पास कितने प्लांट्स हैं, टू प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स एक दूसरे से क्या हैं, ऑपोजिट हैं। दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट हैं और दोनों के दोनों प्लांट जो हैं वो होमोजाइगस है। होमोजाइगस मींस क्या है, प्योर है, ठीक है। जैसे आप सपोज देखिए एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एक प्लांट क्या है, एक प्लांट है जिसके दोनों ही एलिल्स जो हैं वो कैपिटल टी है, मतलब ये होमोजाइगस है, दोनों ही एलिल्स सेम है तो ये होमोजाइगस हुआ। दूसरा प्लांट हमारे पास ये है, इसमें भी क्या है, दोनों जो एलिल्स हैं वो सेम है, मतलब ये भी होमोजाइगस है, प्योर है। होमो का मतलब क्या होता है बेटे, होमो मतलब होता है सेम, तो ये भी होमोजाइगस है क्योंकि इसके दोनों एलिल्स सेम है, ये भी होमोजाइगस है क्योंकि इसके दोनों एलिल्स सेम है, लेकिन ये प्लांट इस प्लांट से डिफर कर रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो हमें इन दोनों प्लांट्स के बीच ही क्रॉस करवाना है। समझ में आई बात, वापस स्टार्ट से बात करें हम, हमारे पास दो प्लांट्स होंगे, दोनों प्लांट्स होमोजाइगस होंगे, दोनों प्लांट्स कैसे होंगे, होमोजाइगस होंगे, ठीक है, और एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, दोनों होमोजाइगस है, दोनों डिफरेंट है। अब सर आगे बताइए, आगे क्या होगा, जब इन प्लांट्स के बीच, ऐसे प्लांट्स के बीच जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, आपको जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस नेक्स्ट जनरेशन में इन दोनों में से एक ही कैरेक्टर शो होगा। देखिए यहां पर दो कैरेक्टर है, दोनों कैपिटल टी है, इसका मतलब है टॉल, दोनों कैपिटल टी है इसका मतलब है टॉल, दोनों स्मॉल टी है इसका मतलब है ड्वार्फ। अब आपके पास यहां दो कैरेक्टर हो गए हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। आपको क्या याद रखना है, जब आप टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉस करवाएंगे, दोनों होमोजाइगस हैं, दो आपके पास होमोजाइगस प्लांट है, एक टॉल प्लांट है प्योर, एक होमोजाइगस सॉरी ड्वार्फ प्लांट है प्योर, ठीक है। दोनों के बीच जब आप क्रॉस करवाओगे तो आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस नेक्स्ट जनरेशन को हम F1 जनरेशन कहेंगे, उस नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। और F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डोमिनेंट कैरेक्टर का, क्या, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, उस कैरेक्टर को हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। एग्जाम में बहुत बार डोमिनेंट कैरेक्टर की डेफिनेशन पूछी गई है बेटा, डिफाइन डोमिनेंट कैरेक्टर, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उस कैरेक्टर को क्या कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो सर एक ने तो अपने आप, हमारे पास दो कैरेक्टर थे, एक ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, दूसरा नहीं कर पाया, दूसरे को क्या कहें, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे, उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। और इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे, इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। वापस बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की,
स्टार्ट पॉइंट से क्या था, हमारे पास टू प्लांट्स थे। लैंग्वेज आप अपनी बनाते रहना बेटा, किसी भी एग्जाम सीट में किसी भी गाइडलाइन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको डिट्टो बुक की ही लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज बना लीजिए लेकिन सही होनी चाहिए। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर लैंग्वेज हमारी बना के लिखी। अरे बच्चा सही तो लिखिए, लैंग्वेज आपने बनाई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी लैंग्वेज सही तो लिखिए, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट में क्या याद रखना है आपको, आपके पास टू प्लांट्स हैं, टू जो प्लांट्स है वो होमोजाइगस है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ऑपोजिट हैं। जब आप इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उस कैरेक्टर को हम रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे, उस कैरेक्टर को हम रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की एग्जाम में जो है डेफिनेशन पूछ सकता है, यहाँ पे आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में कई क्वेश्चन बनते हैं, बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ क्रॉस इट इज बेस्ड, मोनोहाइब्रिड, डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सर आपने देखिए कहानी तो हमें बहुत बताई लेकिन आपने हमें अभी तक एग्जाम्पल नहीं समझाया, चलिए आज हम अभी हम इस लो के एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या कहा जा रहा है इसमें, व्हेन ए प्योर और होमोजाइगस टोल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वापस क्लियर कीजिए, व्हेन ए प्योर और होमोजाइगस टोल, इसमें दोनों एलील्स सेम हैं, दोनों एलील्स सेम हैं इसलिए इसे होमोजाइगस कहा, होमोजाइगस को हम प्योर भी कह सकते हैं। तो व्हेन ए प्योर और होमोजाइगस टोल, एक प्योर होमोजाइगस टोल प्लांट है, इज क्रॉस्ड विथ प्योर और होमोजाइगस ड्वार्फ, दूसरा क्या है, होमोजाइगस तो है लेकिन ड्वार्फ है, इसमें भी दोनों जो एलील्स हैं वो सेम हैं इसलिए होमोजाइगस है, ठीक है, और स्मॉल है इसलिए ड्वार्फ है। तो हमने क्या किया, होमोजाइगस टोल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ किया, होमोजाइगस टोल प्लांट का क्रॉस हमने होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ किया, और हमने जब होमोजाइगस टोल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ किया तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला, हमें रिजल्ट देखने को मिला कि हमारे जो जितने भी नेक्स्ट जनरेशन थी वो सारे के सारे प्लांट्स क्या थे, ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए क्या है, ये दोनों एलील्स सेम नहीं है, ठीक है, ऊपर आपने देखा आपने होमोजाइगस टॉल का क्रॉस करवाया है किसके साथ, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, दोनों होमोजाइगस थे, लेकिन जो आपके पास नई जनरेशन आई उसमें सारे के सारे प्लांट्स तो टॉल थे लेकिन जो प्लांट्स थे उनके जीन स्ट्रक्चर होमोजाइगस नहीं होकर कौन सी थी, हेटेरोजाइगस थी, ठीक है, हेटेरोजाइगस थी। अब यहाँ पर आपके पास होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है कि होमोजाइगस प्लांट कौन से होंगे, सर होमोजाइगस प्लांट वो होंगे जिनमें दोनों एलील्स सेम होंगे, हेटेरोजाइगस प्लांट कौन से होंगे, ऐसे एलील्स जिनमें दोनों एलील, ऐसे प्लांट जिनके जीन स्ट्रक्चर में दोनों एलील्स सेम नहीं है उसे हेटेरोजाइगस प्लांट कहेंगे। और हमने जब होमोजाइगस टोल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ करवाया तो हमें 100% टोल प्लांट मिले, लेकिन वो टोल प्लांट प्योर नहीं थे, वो हेटेरोजाइगस थे, हेटेरोजाइगस और इम्प्योर, वो प्लांट्स जो थे वो हेटेरोजाइगस थे या इम्प्योर प्लांट थे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम, ठीक है, और विथ एग्जांपल से समझते हैं, आपके सामने ये आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, आपके पास एक टोल प्लांट है, उस टोल प्लांट के दोनों एलील्स कैपिटल हैं, होमोजाइगस है, ठीक है। दूसरा प्लांट क्या है आपके पास, ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लांट जो है वो भी होमोजाइगस है, कैरेक्टर है उसका ड्वार्फ लेकिन होमोजाइगस है, ठीक है ना, तो ये दोनों स्मॉल टी। अब आपने इसका क्रॉस करवाया, देखिए ये कैपिटल टी, क्रॉस करवाने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास दो प्लांट हैं, दोनों प्लांट जो के जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें इन दोनों प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ही प्लांट में मिले,
तो हम उन दोनों प्लांट्स के बीच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवाएंगे, और रिप्रोडक्शन करवाएंगे तब हमें एक नया प्लांट मिलेगा, तब हमें एक नया प्लांट मिलेगा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं, क्रॉस कह रहे हैं। और इस तरह से जो प्लांट मिलेगा उसे हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास टू प्लांट्स हैं, इसके कैरेक्टर अलग है, ये टॉल है, इसके कैरेक्टर अलग है, ड्वार्फ है। हम ये देखना चाह रहे थे कि जब हम टॉल प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है या क्रॉस है वो ड्वार्फ प्लांट के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। तो हमने देखा कि जब हमने टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट के साथ करवाया तो हमारे पास जो F1 जनरेशन थी, देखिए पहले आपके पास जनरेशन है पेरेंटल जनरेशन, हमें इस दुनिया में लाने का काम हमारे पेरेंट्स ने किया, इन प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का काम इन प्लांट्स ने किया, तो ये क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए ना, इसलिए इसे क्या कह दिया? पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से जो नए प्लांट बनते हैं उसे F1 जनरेशन कहते हैं। डेफिनेशन है ये F1 जनरेशन की, क्या? पेरेंटल जनरेशन से जो नए प्लांट बनते हैं उसे F1 जनरेशन कहते हैं। और F1 जनरेशन में जो प्लांट्स थे वो सभी क्या थे? टॉल थे। अब सर ये क्या मतलब है? यहाँ पे तो एक कैपिटल टी भी है, एक स्मॉल टी भी है, मतलब टॉल और ड्वार्फ दोनों हैं, तो इनकी हाइट मिक्स होनी चाहिए। नहीं, आपको मैंने ऊपर बताया ना डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, तो F1 जनरेशन में टॉल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो कैरेक्टर है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, आपको याद रखना है एक ही एक्सप्रेस करेगा। कौन एक्सप्रेस करेगा? एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और यहाँ पर एक्सप्रेस किसने किया? यहाँ पर एक्सप्रेस टॉल ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों प्लांट का क्रॉस करवाया, हमारे पास सारे के सारे प्लांट जो थे वो 100% प्लांट जो थे वो टॉल थे F1 जनरेशन में। और टॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए हम ये सारे के सारे प्लांट्स जो है वो टॉल हैं, लेकिन हाइब्रिड टॉल हैं। लेकिन ये सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं? हाइब्रिड टॉल हैं, ठीक है। अब देखिए, हाइब्रिड टॉल है F1 जनरेशन में। आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है? क्वेश्चन ये किया जाता है कि मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस था उसकी F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था? तो मोनो हाइब्रिड जनरेशन की मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है वो ये है कि 100% टॉल। आपसे यदि कोई पूछे ना कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसकी F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या है, तो F1 जनरेशन का रिजल्ट है 100% टॉल। देखिए सारे के सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, टॉल हैं, ठीक है, लेकिन हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड टॉल भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, इन सब की जीन स्ट्रक्चर सेम है, इन सब की जीन स्ट्रक्चर सेम है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? ऑल प्लांट्स आर जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली सेम। मतलब जीन स्ट्रक्चर सेम है तो जीनोटिपिकली सेम है, जीन की तरह तो सेम है। और जब किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल, कोई भी स्पीसीज, जब उनके जीन सेम होते हैं तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी सेम होती है। उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी क्या होती है? उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी सेम होती है, ठीक है। जब कोई प्लांट है और उस प्लांट की यदि जीन्स जो हैं वो सेम हैं, तो उनका जीनोटाइप तो सेम है ही, जीन स्ट्रक्चर तो सेम है ही, तो उनका फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से देखने में वो कैसे हैं, वो भी क्या होगी? सेम होगी, फिजिकल अपीयरेंस भी सेम होगी। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन और क्लियर हो गई। जीनोटाइप मीन्स क्या है? जीनोटाइप मीन्स है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जीनोटाइप मीन्स क्या है? जीनोटाइप मीन्स है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फिनोटाइप मीन्स क्या है? फिनोटाइप मीन्स है फिजिकल अपीयरेंस। तो यहां पर जो हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले वो फिजिकल अपीयरेंस में भी सेम थे और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम थे, 100% टॉल प्लांट थे। एक शॉर्ट रिवीजन वापस से किया जाए, क्या था? स्टार्ट से बात की जाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। हम क्या करेंगे इस लॉ में? दो होमोजाइगस प्लांट लेंगे, डिफरेंट, दो डिफरेंट होमोजाइगस प्लांट लेंगे,
दोनों का आपस में क्रॉस होगा। जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में शो करेगा उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं करेगा उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। हमने यहाँ एग्जांपल लिया था, एक होमोजाइगस टॉल लिया, एक होमोजाइगस ड्वार्फ लिया। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ का जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें 100% टॉल प्लांट मिले, ठीक है। हेटेरोजाइगस थे जो F1 जनरेशन में प्लांट्स थे वो हेटेरोजाइगस थे लेकिन टॉल थे, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल, यहाँ हमने ये जो है दूसरा एग्जांपल लिया, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन किया है तो ये कैपिटल टी दोनों टॉल हैं, ये दोनों ड्वार्फ हैं, दोनों का आपस में क्रॉस किया, चारों प्लांट सेम है, फिजिकल अपीयरेंस में भी सेम है, जेनेटिक अपीयरेंस में भी सेम है, 100% टॉल प्लांट है, ठीक है। यहाँ हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कंप्लीट होता है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसके बारे में बता दूं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इसका जो यूज़ है या बेनिफिट हमें क्या है, बेनिफिट ये है, देखिए यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हुए, डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव नहीं करेगा ना। हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं, लीथल जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जानलेवा, लेकिन वो क्या होते हैं, वो रिसेसिव होते हैं, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास डोमिनेंट, उनके साथ साथ एक कैरेक्टर और होता है डोमिनेंट, तो उस डोमिनेंट के कारण ये रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिससे हम सेफ रहते हैं। अब सपोज कीजिए ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर नहीं होता तो हमारी बॉडी में जो लीथल जीन्स हैं वो हमारी जो लाइफ है उसको कभी का ख़त्म कर देते, है ना। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, सिग्निफिकेंस है। इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि हमारी बॉडी में जो है वो बहुत से लीथल जीन्स प्रेजेंट है लेकिन वो रिसेसिव हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, हमारी जो लाइफ है वो सेव रहेगी। ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि किसी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई क्वेरी रहती है तो वो मुझे मेरी जीमेल आईडी जो है kp4345@gmail.com पर कंसल्ट कर सकता है। किसी स्टूडेंट को यदि इन टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो वो मुझे इन पर मैसेज कर सकता है, मैं उस बच्चे को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू। वीडियो को एंड करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के नए वीडियोस रेगुलर मिलते रहे, इसी तरह से आपको अपनी स्टडी में हेल्प रहती रहे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।